नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर करो। सौम्या मैम क्या हुआ जल्दी? थ्री टू वन, दोनों पैरों में क्या और साइड स्ट्रेच। फास्ट 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 फास्ट। फास्ट पैरों में गैप पड़ाओ भावना मैम, थोड़ा सा गैप पड़ाओ पैरों में, करते रहो, रुकना नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप रहेगा, राइट वाला हाथ लेफ्ट साइड रखना है, लेफ्ट साइड कमर पे, पैरों में गैप करो साक्षी मैम, वापस नहीं आना। राइट वाला पैर लेफ्ट साइड कमर पे और लेफ्ट वाले हाथ से स्ट्रेच होल्ड, साइड में जो स्ट्रेच आ रहा है फील करो। चलो चलो चलो, 10 मैक्सिमम स्ट्रेच, 9, 8 खींचो। सौम्य मैम कैमरा ठीक करो। आयशा मैम कैमरा आपका कैसे हो जाता है, बार बार गिर जाता है क्या? सीलिंग दिखती है मुझे। 6, 5, 4, 3, 2, 1 साइड चेंज, अपोजिट साइड होल्ड। 10 सौम्या मैम कहाँ हो आप? 9, 8 लाइका मैम आप भी पता नहीं कहाँ हो। अच्छा यहीं पे हो क्या? दीवार में मिक्स हो गया आपका कलर, आपके सूट का कलर और दीवार का कलर मिक्स हो गया। चलो होल्ड, चलो चलो होल्ड। 8, 7, 6, 5, 4 मैक्सिमम स्ट्रेच, साइड में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। 3, 2, 1 धीरे से वापस, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल। अभी देखो दोनों फिंगर इंटरलॉक, हाथों की हथेली ऊपर की तरफ स्ट्रेच करनी है, ये इंटरलॉक, हथेली बाहर की तरफ, ठीक है, ऊपर आसमान की तरफ स्ट्रेच करनी है। दोनों पैरों में गैप रहेगा जिससे आप ज़्यादा साइड में जा पाओ, साइड स्ट्रेच ही करेंगे लेकिन वो पॉस्चर भी इम्प्रूव करेगा साइड के साथ साथ। तो उसके लिए क्या करना है, जब आप नीचे जाओगे ना तो ये शोल्डर हमारा ऐसे चला जाता है, तो नीचे वाला शोल्डर हमें बाहर लेके आना है। कैसे? देखो स्ट्रेच किया, सबसे पहले राइट साइड नीचे गए तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे हो जाते हो आप, है ना। तो क्या करना है, नीचे वाला जो शोल्डर है ये वाला, तो इसको क्या करना है, हाथ सीधे और बाहर की तरफ, ठीक है। अभी जो स्ट्रेच आ रहा है वो फील करना है। आ जाओ, दोनों फिंगर इंटरलॉक, हथेली ऊपर, अच्छा वाला स्ट्रेच आएगा, फील करो, थक के वापस नहीं आ रहा है। नीचे वाला शोल्डर बाहर की तरफ सारे, और नीचे आओ भावना मैम, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। पूजा मैम शोल्डर बाहर लाओ, बहुत पीछे है आपका, तो नीचे वाला, हाँ हाथ सीधे रहेंगे। 10 वापस नहीं आना है, लाइका मैम रुको वहीं पे। 8, 7 नीचे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बहुत आराम से स्ट्रेच है बॉडी, साइड चेंज और हाथ सीधे रहने चाहिए ऊपर आते हुए भी, साइड चेंज अपोजिट साइड, हाँ, और नीचे जो शोल्डर गया है उसको बाहर, मैक्सिमम स्ट्रेच, पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील हो, स्पेशली कमर में। साक्षी मैम शोल्डर से आपने कर दिया है, कमर से आओ, कमर से, हाथों को छोड़ो, हाथों को भूल जाओ, हाथ अपने आप आएंगे जब कमर आएंगे, ये आपने ऐसे करके छोड़ दिया, हाथ सीधे कमर, कमर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 धीरे से सेंटर में। लाइका मैम आप रुक क्यों जाते हो ये बताओ मुझे, लाइका मैम नहीं सॉरी सौम्या मैम, बीच में नहीं रुकना है, जब मैंने स्ट्रेच कराया हुआ है बॉडी को, 10 सेकेंड के बाद धीरे धीरे स्ट्रेच आना शुरू होता है, 1 मिनट के बाद रिजल्ट आने शुरू होते हैं। आप 10 सेकेंड में नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद और ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, फास्ट फास्ट
फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट, फुल एनर्जी, हाथों को पूरा पीछे तक लेके जाओ, कोहनियां सीधी रखना, रिलैक्स, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल, नो से इनहेल, नो से एक्सहेल। जिसको घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, स्लो करना, बाकी सब पूरा करेंगे। जिसको घुटने में दर्द है वो भी कर सकता है, क्योंकि घुटने का काम है ही नहीं इसमें, ठीक है, घुटने सीधे रहेंगे। क्या करना है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। जिसको कमर में दर्द है थोड़ा स्लो, बाकी फास्ट। देखो जिसको कमर में दर्द है वो ऐसे, ठीक है, और बाकी सब कैसे करेंगे, जंप के साथ, हर बार हाथों से पैरों की उंगलियां टच करनी है। चलो और रुकना नहीं है। पूजा मैम, एनर्जी ऊपर से लेके आओ, बॉडी पूरी मूव हो, ये जंप फास्ट, जिसको हाई बीपी है वो भी थोड़ा स्लो करो, करते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट 10 सेकेंड, रुकेगा तो वो अकेले करेगा फिर। सौम्या मैम, जो आप रुक जाते हो हर बार, 10। आयशा मैम, मुझे आपके पूरी सीलिंग दिख रही है बट आप कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हो, थोड़ा सा प्लीज, ये कैमरा क्या हो जाता है, नीचे भाग जाता है। हाँ अब बेटर है, आ जाओ, करो करो करो, लास्ट 10 सेकेंड। सौम्य मैम फिर खड़े हो गए आप, क्या हुआ आपको, बस आप ही रुक रही हो पूरे ग्रुप में। सिमी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी, सिमी मैम है ये, सिमी मैम आप बार बार खड़े हो जाते हो, बस आप ही रुक रहे हो, सब कर रहे हो इतना अच्छा। लास्ट 10 सेकेंड, कोई नहीं रुकेगा, 10 9 8 7। निपुणा मैम थोड़ा फास्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, देखो जंप के साथ, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस 30 सेकेंड के लिए, बाकी जंपिंग जैक। चलो रुकना नहीं है 30 सेकेंड के लिए, चलो अनुष्का मैम वेरी गुड। साक्षी मैम हाथों को खोल के, पूरी शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए, हाथ खोल के, ये फास्ट 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 फास्ट, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। टेन फास्ट, 9 8 चलो, 3 2 1 रुको, डीप ब्रीथ, नो से, ठीक है। हार्ट बीट कितनी भी तेज हो, सांसें कितनी भी तेज चले, आपको आदत डालनी है नो से ही ब्रीथ लेने की, ठीक है। एक बार और, बस 30 सेकेंड के लिए बस, उसके बाद रिलैक्स, थोड़ा आसन वगैरह करेंगे, ये जंप वंप वाला सब खत्म, लास्ट। चलो 30 सेकेंड, बॉडी में हार्ट बीट भी तो बढ़ानी है शरीर की, चलो चलो चलो, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोज हार्ट को कम से कम 140 तक जाना चाहिए। चलो फास्ट फास्ट स्टार्ट, साक्षी मैम बिना रुके, सिमी मैम रुकना मत, थोड़ा फास्ट करो, ऐसे फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो, ऐसे भी जो कर रही है, फास्ट 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 फास्ट, रुकेगा कोई नहीं, जो रुकेगा फिर वो 30 सेकेंड अकेले करेगा, फास्ट। आयशा मैम फास्ट फास्ट, आपका कैमरा कैसे आयशा मैम स्लिप होता है फिर ऊपर भग गया। चलो इसको एक जगह सही से रखो, चलो करो, कोई बात नहीं, ऊपर सीलिंग मुझे पूरी दिख रही है आपकी, फास्ट 10 सेकेंड, कोई नहीं रुकेगा। अनुष्का मैम आप तो प्रो बन चुके हो, आप रुकते ही नहीं हो, आप रुकोगे तो अच्छा नहीं लगता है। चलो फास्ट, निपुणा मैम चलो, 10 9 8 7 6 5, साक्षी मैम फास्ट,
3, 2, 1. ईशा मैम रुकना नहीं है, आप बार बार रुक जा रहे हो. चलो एक बार रिलैक्स करो, दोनों हाथों को ऐसे ओपन करो. नो से इनहेल, नो से एक्सहेल. सांसों को कंट्रोल में लाओ, नोज से ब्रेथ लेके. सांसों को कंट्रोल में ऐसे रिलैक्स हो रहा है, जो अभी हार्ट बीट तेज हुई है और आपने किया नहीं होगा तो हार्ट बीट तेज ही नहीं होगी. आप पता ही दिख नहीं रहा आयशा मैम, आप आपकी ना सीलिंग दिख रही है तो मैं आपको सही देख ही नहीं पा रही हूँ. और अभी आप जब मेरे पास, हाँ अब आपका यहाँ तक फेस दिखा मुझे. आप एक बार किसी को भी देखो, एक बार मेरे अलावा किसी को भी देखो, देखो पूरा दिख रहे हैं सब, है ना. आप जब दिखोगे तभी तो मैं आपको करेक्ट करूँगी. प्लीज़ एक बार कैमरा ठीक करो, ठीक है. बाकी सब पूरा ध्यान सांसों पे. और देखो कैसा है, या तो बहुत नीचे हो जाता है बहुत ऊपर. नहीं आपका जैसे अभी है ना, अभी भी पीछे का मुझे दिख रहा है, लेकिन वो स्लिप होते होते पता नहीं क्या ऊपर की तरफ चले जाता, स्लिप हो जाता है. रखते आप ठीक हो, ठीक से रखते हो फिर धीरे धीरे स्लिप हो जाता है. तो ऐसा कुछ करो, या तो कुछ बुक वगैरह फोन के आगे या जिससे भी आप ले रहे हो ऐसे रख दो कि वो स्लिप ना हो, ठीक है. चलो और बाकी देखो कैसे करना है. इस तरीके से आना है पर्वत आसन में, ठीक है. और यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड. मैम कुछ बोलना है, बोलो जल्दी. एक्चुअली एक ऐसा स्टैंड आता है फोन रखने के लिए, आप ले सकते हैं. हाँ ऐसा भी ले सकते हो, MI की एक वो भी आती है, मैंने स्टार्टिंग में वही ली थी, वो भी आप ले सकते हो, उससे इजीली फोन प्लेस हो जाता है. ये भी बहुत बेटर है. मैं एक काम करूंगी, मैं ना लिंक वगैरह आपको शेयर कर दूंगी, जिसको मंगाना हो, जिसको फोन रखने में प्रॉब्लम आ रही है वो मंगा लेना, ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, ठीक है. मैं सब पे लिंक शेयर कर दूंगी. चलो आ जाओ क्लास करते. सबसे पहले 10 सेकेंड इस तरीके से पर्वत आसन में होल्ड, और जब होल्ड करोगे दोनों हाथों के बीच में देखना है. चलो मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ साथ करो. पर्वत आसन में आओ और एड़िया नीचे मैट से लगा के रखो पूरे तरीके से. दोनों हाथों के बीच में देखो और होल्ड. 10, 9, 8, 7, 6, 5. एड़ियों को, पंजों को पूरी तरीके से नीचे लगाने की कोशिश करो जिसके नहीं लग रहे हैं. 3, 2, 1. यहीं से राइट लेग अप, बॉडी वैसे ही रहेगी बस खाली राइट लेग अप. 10, 9. चलो चलो चलो. 8. चलो आयशा मैम बिल्कुल ठीक है, आप करो बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल परफेक्ट है. 7, 6 खींच के रखो. 3, 2, 1. पैर वापस लाओ और अपोजिट लेग अप. थोड़े से हाथों की स्ट्रेंथ लगेगी, रखने दो, नीचे नहीं जाना है. अपोजिट लेग अप और होल्ड. 10, वेरी गुड. फेस पे स्माइल होनी चाहिए सबके. 9, घुटना सीधा जानकी मैम. 7, घुटना सीधा, पैरों को और ऊपर लेके जाओ. 6, 5, 4, 3. दोनों हाथों के बीच में देखो जिससे सर भारी ना हो. 2, 1. पैरों को वापस लाओ और होल्ड यहीं पे होल्ड. नी डाउन और ऐसे वज्रासन में बैठो. देखो जब भी आप नीचे झुकने वाला करते हो ना, बस किसको स्पेशली ध्यान रखना है, जिसको सर्वाइकल या लोअर बैक की दर्द है वो फेस को ऊपर ही उठा के रखना, और बाकी सब जितना नीचे ड्रॉप करोगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है. जितना ब्लड फ्लो आपके फेस की तरफ आएगा आपकी स्किन के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए अच्छा है, ठीक है. और अगर सर भारी होता है तो स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल है, डरना नहीं है, ठीक है. बस सर्वाइकल वाले, लोअर बैक पेन वाले, जब आप कोई भी नीचे करते हो फेस को उठा के रखा करो, बाकी तो जितना ड्रॉप कर लो कम है, ठीक है. और अभी देखो क्या करेंगे. इस तरीके से वज्रासन में बैठो, ये भी एक आसन है, ऐसे बैठो. काफ मसल दबनी चाहिए पूरी, जो पिंडलियाँ हैं वो पूरी दबनी चाहिए, उसमें पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है. और यहाँ पे एक बंध लगता है जिससे ब्लड फ्लो स्टमक में तेज होता है, तो डाइजेशन आपका जल्दी होता है, जो आते हैं उनका काम फास्ट होता है. अभी क्या करना है, पर्वत आसन में आना है, राइट लेग उठाना है और दोनों हाथों के बीच मैक्सिमम आगे, ठीक है.
मैक्सिमम आगे आया और कमर सी भी होल्ड, यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड और धीरे से वापस, फिर अपोजिट लेग अप और मैक्सिमम आगे होल्ड 10 सेकेंड। मैम जो पैर आगे लाएंगे इसको फोल्ड करके रखना है आगे? हाँ, आगे कैसे रखा है देखो, जब आगे लाए ना हमारे को आप सामने से बताइए। अच्छा देखो ये है, ठीक है, राइट वाला पैर ऊपर ले गए, राइट वाला पैर ये आगे आ गया, ओके ठीक है, कमर सीधी, पीछे वाला पैर भी सीधा है बिल्कुल टेढ़ा, ये ऐसे वो मत करना, देखो एक बार पीछे वाला पैर देखो, ये आगे आए, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, ऐसे मत करना ठीक है, बिल्कुल सीधा रखना है और सामने देखना है, कमर सीधी फेस अप। चलो जल्दी से आ जाओ पर्वतासन में। मैम आपकी वीडियो बहुत ब्लर है। ब्लर है, मैं पास आ जाती हूँ, सबको ब्लर आ रही है क्या? निपुणा मैम ब्लर आ रही है? हाँ थोड़ी है ब्लर है। मैम मुझे तो क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं पास आ जाती हूँ और चलो करो 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 आप करो। चलो राइट वाला लेग अप और पूरा आगे, मैक्सिमम स्ट्रेच।